फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप रखने के बाद सारा फ्लूइड बाहर निकल जाता है, सारा पानी निकल जाता है, तो प्रेगनेंसी कैसे ठहरेगी और किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, वो कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ दिन से मैसेजेस के रिप्लाई नहीं जा पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि मैं अभी वेकेशन के लिए गई हुई थी, बट अभी मैं वापस आ गई, तो मैं ट्राई करूंगी कि एक दो दिन में सबके मैसेजेस के रिप्लाई दे दिए जाए। उसके अलावा प्राइवेट कंसल्टेशन भी स्टार्ट है, तो आप वो भी कर सकते हैं। किस लिए करना है, किन किन प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी मेंशन है, तो आप इजीली देख सकते हैं कम्युनिटी टैब पर भी। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, फोन नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो टीम है वो आपको आगे गाइड कर देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज इससे रिलेटेड है कि मैम, जब भी हम रिलेशनशिप रखते हैं उसके बाद सारा फ्लूइड बाहर निकल जाता है तो हमारी प्रेगनेंसी रुक नहीं पा रही है। तो सबसे पहले ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो ये फ्लूइड आपके वजाइना में स्टोर हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। इसके अंदर सिर्फ स्पर्म्स नहीं है, और प्रेगनेंसी रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्पर्म आपकी बॉडी के अंदर जाए। अब ये स्पर्म जो है बॉडी के अंदर कब जाएगा, जब सही समय पर ट्राई किया जाएगा। और सही समय कब है कि जब आपका जो सर्विक्स है उसका मुंह खुला होगा। और सर्विक्स का मुंह कब खुलता है, मतलब बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, एक तो जब आपके पीरियड्स आते हैं उस समय पर, और एक जिस समय पर ओव्यूलेशन होता है, अंडा रिलीज होता है। तो जब अंडा रिलीज होता है उस समय पर जब रिलेशन रखा जाता है और तब स्पर्म्स बॉडी के अंदर जाते हैं तो प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो सब निकल गया है वो लिक्विड है, उसके अंदर और चीज़ें हैं, पर जो स्पर्म्स हैं वो बहुत लाखों की तादाद में होते हैं, तो वो इजीली अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर मोटिलिटी होती है, उनके अंदर ताकत होती है अंदर मूव करने के लिए, वो इजीली मूव करके चले जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड निकल रहा है, इट मीन्स हर इंडिविजुअल का, हर मेल का जो सीमन सैम्पल है उसका अलग क्वांटिटी होती है। किसी का 1 ml, 2 ml, अलग अलग क्वांटिटी है, किसी का 5 ml तक हो सकता है, तो अलग अलग क्वांटिटी है। अब अगर ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा निकलेगा, बट उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि जो आपके स्पर्म्स हैं वो ईजिली अंदर चले जाते हैं। पर फिर भी अगर कुछ लोगों को कंसर्न होता है कि मैम, जब हम खड़े होते हैं तो उसके बाद सब कुछ ही निकल जाता है, तो ऐसा नहीं है, स्पर्म्स इजीली मूव करके चले जाते हैं। बट फिर भी अगर आपको डाउट है कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूंगी। आप जिस टाइम रिलेशनशिप रखते हैं उस टाइम पर अगर आप अपनी कमर के नीचे एक पिलो लगा लेते हैं, तकिया लगा लेते हैं, तो वो आपका एरिया थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से थोड़ा जो फ्लूइड है कम बाहर निकलता है। निकलेगा फिर भी, बट थोड़ा कम निकलेगा, ज़्यादा फ्लूइड अंदर जाएगा। और सर्विक्स उस टाइम पर अगर ओपन होगा, मतलब बच्चेदानी का मुंह अगर उस समय ओपन हुआ हुआ होगा, तो और ज़्यादा लिक्विड अंदर जाएगा। तो सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उस समय पर कीजिए जब आपका ओव्यूलेशन हो या आपका फर्टाइल पीरियड चल रहा हो। ओव्यूलेशन को कैसे ट्रैक करना है, कैसे फर्टाइल पीरियड है, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। बट अगर आपको फिर भी डाउट है, आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझको प्राइवेट भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके ओव्यूलेशन डेज और कब आपको ट्राई करना है, कितनी बार ट्राई करने से प्रेगनेंसी आपकी रुक सकती है, आपके अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा कि इन इन डेट्स में आपकी साइकिल इतने लेंथ की है, कब आप ट्राई करें, तो आप इसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि आप थोड़े देर हल्का सा अपने लेग को एलिवेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सीधी रखनी है, पर आप थोड़ी देर हल्का लेग को भी एलिवेट कर सकते हैं, उससे भी जो कर्वेचर है वो ऐसा बन जाएगा कि लिक्विड ज़्यादा थोड़ा अंदर जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहें तो आप 10-15 मिनट्स तक आप लेटे रह सकते हैं। उतना लेटा रहना बहुत है, उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरी पूरी रात लेटे रहते हैं, उठते ही नहीं हैं, इस सब की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हेल्दी स्पर्म्स की बात करें तो स्पर्म्स को अंदर तक पहुंचने के लिए 5-10 मिनट्स में इजीली वो अंदर पहुंच जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप
15 मिनट्स लेटे रहे, उसके बाद उठ भी जाएंगे, लिक्विड निकल भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मोटाइल हेल्दी स्पर्म्स हैं जो प्रेगनेंसी रोक सकते हैं वो तब तक अंदर जा चुके होंगे अगर सर्विक्स का बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चेदानी के मुंह का खुला होना, जो कि ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है, तो आपके ओव्यूलेशन को ट्रैक करना आप खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने डॉक्टर से करा सकते हैं या आप ओव्यूलेशन की डेज के लिए मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन पेड सर्विस है, मैं फिर से आपको बता, आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी, बट मैंने वीडियो भी बनाई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको समझ आ गया होगा। फिर भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा और मैं ट्राई करूंगी कि जो प्रीवियस कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई कर दूं, बट कई बार टाइम रिस्ट्रेन होता है तो नहीं हो पाता है ऑन टाइम, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है जिसके लिए आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पे भी आ रही है। थैंक यू सो मच।